हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं शेयर कर रही हूँ मालपुआ। ये जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में मैं बना रही हूँ। बहुत ही इजी है, हेल्दी भी है, आप बना सकते हैं। देखिए मैं इसको कैसे बनाया। सबसे पहले एक केला लेंगे और केला को काट के मैं मिक्सर ग्राइंडर में डाल रही हूँ। अभी मैं इसमें डालूंगी आधा कप जैसे दूध। फिर इसको ब्लेंड करेंगे। देखिए हो गया। अभी इसको एक बॉल में निकाल लूंगी। अभी मैं इसमें ऐड करूंगी सूजी, जिसको मैंने ग्राइंड कर लिया, एकदम पाउडर जैसे बना लिया। ये एक कप है। और मैं साथ में आधा कप मैदा भी डाल रही हूँ और 1 टीस्पून इलायची पाउडर, 1 टीस्पून नमक और शुगर पाउडर चाहिए। मैं यहाँ 3 टेबल स्पून ऐड कर रही हूँ। इसके जगह मैं गुड़ भी ऐड कर सकते हैं। फिर इसको हम मिलाएंगे। देखिए इस तरह हम मिला लेंगे। अच्छी तरह इसको फेटना है, 2-3 मिनट इसको लगा फेटने में। अभी मैं इसमें 1/2 टीस्पून सौंफ डाल रही हूँ। इसको भी एक साथ मिला लेंगे। और इसको 30 मिनट के लिए मैं ढक के रख रही हूँ। देखिए आधा घंटा के बाद इसका पेस्ट इस तरह होना चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं, ज़्यादा पतला भी नहीं। इसको और थोड़ा इसको फिट लेना है। फिर इसका हम फ्राई करेंगे। एक पैन में मैंने ऑयल डाल के गर्म कर लिया है। अभी एक एक करके मैं डालते जाऊँगी और गैस को एकदम मीडियम रखना है। जब धीरे धीरे साइड में लाल होते जाएगा तब उसको पलटना है। बहुत ही इजी है, एकदम 2 मिनट में बन के तैयार हो जाएगा। देखिए गैस को मीडियम रख के इसको भी 2-3 मिनट तक फ्राई करना है ताकि अंदर से भी अच्छे से कुक हो जाए। देखिए ये होने वाला है। बस एकदम लाल लाल हो गया। अभी इसको निकाल लेंगे। इस तरह बाकी को भी फ्राई करेंगे। हर बार डालते समय इसको एक बार फिर लेना जरूरी है। फिर एक एक करके और बाकी सबको भी फ्राई करेंगे। ये बहुत ही इजी है, आप जरूर इसे ट्राई करिए। 50 तो इसको फ्राई करने के बाद चीनी सीरा बना के उसमें 5 मिनट तक डुबो के रख सकते हैं।
लेकिन मैंने ऐसे ही बनाया है, ऐसे भी बहुत टेस्टी होता है। ज़रूर इसे ट्राई करिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।